रणभूमि में अब आपको लिए चलेंगे रायबरेली, जहां पर सीएम योगी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए आप। अगर कोई कर रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार का संकल्प है। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, कोरोना कालखंड है, कोरोना के कारण दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए हैं। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के लिए बेहतरीन व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। आप लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? वैक्सीन का पैसा तो किसी से नहीं लिया गया ना? कोई भेदभाव ही नहीं हुआ है ना? जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि वैक्सीन नहीं लेना है क्योंकि ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आज पे साबित हो गया ना कि भारत में मोदी जी के संरक्षण में बना हुआ वैक्सीन सबसे प्रभावी वैक्सीन है, साबित हो गया है ना। अगर ये वैक्सीन हम लोग नहीं लेते, तीसरी वेव जैसे अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर कहर बरपा रही है, वैसे ही अब तक तीसरी वेव के नाते न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं है ना। सब लोग सुरक्षित है ना? हम लोग कोरोना में सब सुरक्षित है ना? अब आपकी बारी है, बोलिए कि जिन लोगों ने वैक्सीन के बारे में भ्रांति पैदा करके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की शरारत की थी, वोट की चोट से उनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारेंगे, उनकी जमानतें जब्त करवाएंगे। सपा और कांग्रेस यही काम करती रही और कांग्रेस का तो एक नमूना है, वह उत्तर प्रदेश में भाई बहन को फुर्सत नहीं थी आने की कोरोना कालखंड में, लेकिन आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कैसे कर रहे थे। उस समय मुझे प्रवासी कामगार और श्रमिक बड़ी पैमाने पर आ रहे थे, मैंने कांग्रेस की राजस्थान सरकार से कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश के 15,000 बच्चे कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप एक काम करिए कि राजस्थान परिवहन निगम की बस से उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर छुड़वा दीजिए, जो पैसा लगेगा मैं उसका किराया दे दूंगा। उन्होंने मना कर दिया। भाइयों बहनों, 500 बस भेजा था मैं, 500 बस लखनऊ, आगरा और झांसी से, और सभी बच्चों को सुरक्षित वहां से लेके आया, उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस के भाई बहन से कभी पूछा आप लोगों ने कि भाई उसमें रायबरेली के बच्चे थे, अमेठी के बच्चे थे, लखनऊ के बच्चे थे, गोरखपुर के भी थे, अयोध्या के भी थे, वाराणसी के थे, प्रयागराज के थे, आखिर इन बच्चों की क्या गलती थी। और बाद में जब प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे थे, कांग्रेस की नेता ने 1,000 बसों की फर्जी सूची दी, जब मैंने उसकी जांच कराई तो पता लगा कि ये बस तो है ही नहीं, उसमें रिक्शे का यानी थ्री व्हीलर का और स्कूटर के नंबर दे दिए बस के नाम पर। कितना भत्ता वजा कर रहे थे लोग, क्या ये उस कालखंड में आपका हालचाल पूछने के लिए आए थे क्या? कांग्रेस के नेता, सपा के नेता, बसपा का कोई नेता पूछने के लिए आया था? उस कालखंड में भाइयों बहनों पूछने के लिए या तो दिनेश सिंह आए होंगे या राकेश सिंह आए होंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए होंगे या पदाधिकारी आए होंगे, इन लोगों ने हालचाल नहीं लिया होगा ना कांग्रेस के लोगों ने।